अस्सलाम वालेकुम। जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने ये देखा था कि जो एंटीजन होता है अगर उसने मिथाइलिन ब्रिज बन जाए तो उस तरह उसको दोबारा हम किस तरह रिस्टोर करते हैं, यानी कि एपिटोप रिट्रीवल हमने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा सिग्नल होता है उसको जो बैकग्राउंड नॉइजेस होते हैं समटाइम इस तरह होता है कि कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो बैकग्राउंड नॉइज दे रहे होते हैं या कुछ एपिटोप प्रेजेंट होते हैं वो बैकग्राउंड नॉइज दे रहे होते हैं, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसको उस स्टेप को हम कहते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग मींस किस चीज को ब्लॉक कर रहे हैं हम, जो बैकग्राउंड सिग्नल्स होते हैं, जो बैकग्राउंड सिग्नल होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं हम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड सिग्नल होते कौन कौन से हैं। ये कुछ एंजाइम भी हो सकते हैं और कुछ एंटीजन भी हो सकते हैं, यानी कि एपिटोप भी हो सकते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एंजाइम कौन कौन से हैं जो बैकग्राउंड सिग्नल दे सकते हैं, एंजाइम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम जो बैकग्राउंड सिग्नल दे सकता है वो है पर ऑक्सीडेज एंजाइम। अब जैसे मैंने बताया था फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल था उसमें मैंने ये बताया था कि जैसा कि ये एक है, ये होगी स्लाइड और ये हो गया हमारा टिश्यू, ठीक है, और इसमें ये डिफरेंट प्रेजेंट हैं एपिटोप या एंटीजन, जहाँ पे क्या आके अटैच होगी एंटीबॉडी आके अटैच होगी, यहाँ पे आके आगे एंटीबॉडी आके अटैच होगी और इन एंटीबॉडी के साथ क्या अटैच होता है, एंजाइम अटैच होता है। फिर हम क्या इंसर्ट करते हैं, सबस्ट्रेट इंसर्ट करते हैं और उससे कलर प्रोड्यूस होता है और उससे स्टेन हो जाती है हमारी स्लाइड, ठीक है। लेकिन अब बैकग्राउंड नॉइज कैसे आएगा कि क्योंकि यहाँ पे क्या देखें आप, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, इनके साथ क्या यूज हो रहा है, एंजाइम हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम मोस्टली जो एंजाइम यूज करते हैं वो होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम, जो इन प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ हम यूज करते हैं। ये तो होगा प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच फॉर्म में, इसकी हमें टेंशन नहीं है। हमें टेंशन किसकी होती है कि कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है पर ऑक्सीडेज एंजाइम पहले से ही प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा कि अब होना ये चाहिए था कि जहां जहां पे एंटीबॉडी अटैच हुई है, फर्ज करें यहां पे एंटीबॉडी अटैच हुई है, तो वही वाला पोर्शन स्टेन होना चाहिए था इस सबस्ट्रेट की वजह से। लेकिन होता क्या है कि अगर पहले से प्रेजेंट होगा पेरोक्सीडेज एंजाइम उन टिश्यू में, तो उससे क्या होगा कि ये सबस्ट्रेट जो है वो इस पेरोक्सीडेज की वजह से, एक तो इस पेरोक्सीडेज की वजह से कलर में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा ये जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है पेरोक्सीडेज एंजाइम उनकी वजह से भी कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, अब स्टेन हो जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन भी क्या हो रहा है, स्टेन हो रहा है, और साथ साथ ये वाला पोर्शन भी अब क्या हो रहा है, स्टेन हो रहा है, ठीक हो गया। तो इस चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ये जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम टिश्यू में प्रेजेंट होता है इसको हम डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, डिस्ट्रॉय या इसको निकाल देंगे। अब वो कैसे निकालते हैं इसको, अब हम प्राइमरी बॉडी इंसर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं इस टिश्यू में, यानी कि प्राइमरी एंटीबॉडी अभी तक हमने इंसर्ट नहीं की, उससे पहले हम क्या करेंगे, इस टिश्यू में इंसर्ट कर देंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। और ये होता क्या है, इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का मेथनॉल में, ठीक है, मेथनॉल में सॉल्यूशन बनाएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का और वो हम डाल देंगे उस टिश्यू में, उससे क्या होगा कि जितने भी परऑक्साइड एंजाइम होंगे वो हो जाएंगे डीनेचर, ठीक है, और उससे क्या होगा हमारा जो रिजल्ट होगा अब वो प्योर आएगा, जितना हमें जो एंटीजन हमें रिक्वायर्ड थे वही एंटीजन स्टेन होंगे। और दूसरे जो पोर्शन है जो इस एंजाइम की वजह से जो टिश्यू में पहले से प्रेजेंट था पेरोक्सीडेज एंजाइम उसकी वजह से जो कलर आ रहा था वो नहीं आएगा,
ठीक है, एक तो ये होता है एंजाइम जो हमें कलर देता है हमारे उसको टिश्यू को। दूसरा एंजाइम कौन सा होता है जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है? वो होता है फास्फेटेज एंजाइम, फास्फेटेज एंजाइम। जो होता है फास्फेटेज एंजाइम, उसका क्या काम होता है? वो हम यूज करते हैं, यानी कि जैसे ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ हम अटैच करवा देते हैं अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम को। जैसे ये मैं एक टिश्यू बना रहा हूँ, ये हो गया हमारा टिश्यू, और इसमें डिफरेंट एंटीजन हैं जिसके ऊपर हमने अटैच करवाना है उसको एंटीबॉडीज को। और ये आ गई एंटीबॉडीज जो आके अटैच हो गई, प्राइमरी एंटीबॉडीज, और इनके ऊपर कौन सा एंजाइम अटैच होता है? फास्फेटेज एंजाइम, ये वाला एंजाइम, इसको हम कहते हैं अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम। ये तो वो वाला एंजाइम है जिसको हमें जिसकी हमें जरूरत है ताकि ये हमारे टिश्यू को स्टेन कर दे। सम टाइम क्या होता है, जैसे यहाँ पे हुआ था कि पेरोक्सीडेज एंजाइम जैसे पहले से टिश्यू में प्रेजेंट है, इस तरह इधर भी ये होता है कि जो पेरोक्स ये जो होता है फास्फेटेज एंजाइम, ये पहले से ही टिश्यू में प्रेजेंट होता है। उससे क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट हमने ऐड किया, जो हमने सबस्ट्रेट ऐड किया, एक तो ये वाले एंजाइम उसको कलर में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरे जो पहले से ही फास्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है वो भी क्या करेंगे, इसको कलर में कन्वर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो स्टेन हमें चाहिए था इस जगह पे वो भी स्टेन हो जाएगा, साथ में और जगह भी स्टेन हो जाएगी जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम लेवामिसोल ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? लेवामिसोल। वो क्या करेगा, ये जो एंजाइम होगा फास्फेटेज एंजाइम, इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इससे जो फास्फेटेज एंजाइम जो टिश्यू में प्रेजेंट थे वो ब्लॉक हो जाएंगे। और ये हमने ब्लॉक कब करना है, ये एंटीबॉडी, ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी जिनके साथ वो एंजाइम अटैच है वो ऐड करने से पहले हम ये करेंगे। ठीक है, ये इंसर्ट करेंगे और उससे हमारे एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये तो था एंजाइम की वजह से जो बैकग्राउंड सिग्नल आते हैं, एक पेरोक्सीडेज एंजाइम की वजह से बैकग्राउंड सिग्नल आता है, और दूसरा फास्फेटेज एंजाइम की वजह से बैकग्राउंड सिग्नल आता है। तीसरी वजह जो है वो एपिटोप्स जो होते हैं कुछ, उनकी वजह से भी बैकग्राउंड सिग्नल आ जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बायोटिन। बायोटिन जो है उसकी वजह से भी क्या होता है, बैकग्राउंड सिग्नल आ जाता है। अब उसकी वजह से क्यों आता है बैकग्राउंड सिग्नल, उसमें होता ये है कि हम एक सिस्टम यूज करते हैं बायोटिन एविडेंस सिस्टम। बायोटिन एविडेंस सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपने सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। कैसे, जैसे ये एक है हमारे पास स्लाइड टिश्यू की, ठीक है, और ये हो गया हमारा टिश्यू, और यहाँ पे हो गया हमारे एंटीजेंस। और मैंने बताया था जो प्रिंसिपल था उसमें हमने मैंने बताया था कि ये होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अलावा और भी मेथड होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट होता है उसमें हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी एंटीबॉडीज जिनके साथ हम अटैच करवा देते हैं उस एंटीजन को प्राइमरी एंटीबॉडी के थ्रू। फिर हम इंसर्ट करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज, वो आगे प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर आके अटैच हो जाती हैं। ठीक है, अब बायोटिन एविडिन मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज होती हैं उनके साथ अटैच होता है बायोटिन। क्या अटैच होता है उनके साथ? सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ बायोटिन अटैच होता है। फिर हम क्या करते हैं इंसर्ट, फिर हम इंसर्ट करते हैं एविडिन। एविडिन क्या होता है, उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है कि वो चार बायोटिन के साथ अटैच हो सकता है। जो एविडिन होगा, ये एविडिन है, ये चार बायोटिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इंसर्ट करेंगे अब एविडिन, तो वो क्या करेगा, एक तो ये बायोटिन जो है इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ जो अटैच है उसके साथ अटैच हो जाएगा, और तीन और बायोटिन आके इधर आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर इंजाइम जो हमें रिक्वायर्ड है वो इंजाइम आके इन बायोटिन
बायोटिन के साथ आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मैं एंजाइम बना देता हूँ, ये एंजाइम आके अटैच हो जाएंगे बायोटिन के साथ, ठीक है, ये इधर बायोटिन के साथ आके अटैच हो जाएंगे। अब जो बायोटिन होता है वो दो मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है, यानी कि उसकी दो बाइंडिंग साइट होती हैं, और जो एविडेन है उसकी चार बाइंडिंग साइट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस वजह से जो एविडेन था वो चार बायोटिन के साथ अटैच हुआ है, और जो बायोटिन होता है वो दो के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। इसमें देखें आप, एक बायोटिन जो है वो एविडेन के साथ इसके थ्रू अटैच है, और एक पोर्शन उसका ये जो इंजाइम है उसके साथ अटैच है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक और बायोटिन आ जाएगा इधर, यहाँ पे इस एंजाइम के साथ आके अटैच हो जाएंगे बायोटिन, और ठीक है इसी तरह फिर क्या होगा, फिर और एंजाइम आ जाएंगे वो इधर आके अटैच हो जाएंगे। इस तरह क्या बन जाएगा, एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि बायोटिन की वजह से क्या हुआ है, एक सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है उनकी तादाद बढ़ रही है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए डायरेक्ट मेथड में था सिर्फ एक एक एंजाइम था, उसकी वजह से सिग्नल इतना एम्पलीफाई नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें देखें कि सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है। तो अब ये तो सिग्नल होता है नॉर्मली एम्पलीफाई कि जहाँ पे स्टेन होना होगा वो पोर्शन स्टेन हो जाएगा। समटाइम क्या होता है कि हमारे टिश्यू में बायोटिन पहले से ही प्रेजेंट होता है, जैसे इसमें एंजाइम पहले से प्रेजेंट होता है, इस तरह बायोटिन भी पहले से प्रेजेंट होता है। अब जब हम इंसर्ट करते हैं एविडिन, तो एक तो वो यहाँ पे जाके अटैच होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा एविडिन इधर आके भी अटैच हो जाता है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स आके अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, यही ये वाला जो पूरा मैकेनिज्म है वो इधर हो जाएगा। अब उससे क्या होगा कि ये वाला पोर्शन भी अब स्टेन हो जाएगा, हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए था कि ये वाला स्टेन हो पोर्शन, और उससे हमें पता चलेगा कितनी हमारा जो रिक्वायर्ड एंटीजन है वो प्रेजेंट है। लेकिन जब ये वाला पोर्शन स्टेन होगा तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये वाला पोर्शन है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे बायोटिन की प्रेजेंस की वजह से ये वाला पोर्शन भी स्टेन हो रहा है। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसको ठीक इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं ये वाला प्रोसेस करने से पहले, यानी कि ये एंटीबॉडी जो है इसको इंसर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि फर्ज करें ये है टिश्यू, ये टिश्यू है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, बायोटिन पहले से ही, ठीक है। हम क्या करेंगे, एविडिन इंसर्ट कर देते हैं पहले, ये जो पूरा स्टेप होता है ये वाला स्टेप, ये एंटीबॉडी वाला, इससे पहले, ठीक है, ये जो इनसाइड पहले से प्रेजेंट है बायोटिन उसको हमें खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, एविडिन इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो फर्दर पोर्शन होते हैं एविडिन के, इसको ब्लॉक करने के लिए हम मॉडिफाइड फॉर्म के होते हैं बायोटिन, वो इंसर्ट कर देते हैं। अब ये जो बायोटिन होते हैं ये किसी और के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, तो अब इससे क्या होगा कि ये जो है बायोटिन पहले से प्रेजेंट है, जैसे ये वाला, इसको मैंने इधर बना दिया है, ये फर्ज करें इधर प्रेजेंट था ये वाला, तो अब क्या हुआ कि जब हमने एविडिन इंसर्ट किया तो ये वाला पोर्शन आगे इधर अटैच हो गया एविडिन के साथ, और मॉडिफाइड जो बायोटिन थे वो हमने इधर इंसर्ट कर दिए। तो अब देखो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, सारा ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स आके अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बायोटिन पहले से एविडिन के साथ अटैच हुआ है, और एविडिन, क्योंकि मैंने कहा था एविडिन चार उनके साथ अटैच हो सकता है कंपोनेंट्स के साथ, तो अब यहाँ पे बायोटिन जो है वो तीनों ने उसको, एक तो इसके साथ अटैच हो गया, बाकी तीन जो है उन्होंने इसकी जगह ले ली, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब ये जो है बायोटिन, ये किसी और के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। नॉर्मली तो क्या होता है कि बायोटिन दो रिएक्शन बनाता है, कि एंजाइम के साथ भी अटैच हो जाता है, लेकिन इधर वो रिएक्शन नहीं होगा, और इस तरह से क्या होगा, सिग्नल स्टॉप हो जाएगा ये वाला, और ये जो फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट आया था इसको हम रोक लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रोकते हैं, ये बायोटिन का बैकग्राउंड सिग्नल होता है। इस तरह इसके अलावा एक और होता है, तीसरी वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से बैकग्राउंड सिग्नल होता है, एक और मैकेनिज्म हम यूज करते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में उसको डिटेक्ट करने के। जैसे ही मैं इधर बना रहा हूँ एक टिश्यू, ये हो गया स्लाइड के ऊपर टिश्यू है, और ये हमारे हो गए एंटीजन, इधर हमने एंटीबॉडी इंसर्ट कर दी।
अब जैसे यहां पे थे एंजाइम हमने अटैच किए हुए थे एंटीबॉडी के साथ, इधर हम क्या करते हैं, इधर हम फ्लोरेसेंट मटेरियल अटैच करवा देते हैं एंटीबॉडीज के साथ। तो जैसे ही एंटीबॉडी अटैच होती है तो फ्लोरेसेंस यहां से एमिट होती है और हमें उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि टिश्यू में ऑलरेडी फ्लोरेसेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो इससे भी बैकग्राउंड सिग्नल आ रहे होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। वो कैसे, इसको हम ठीक कैसे करेंगे कि इसको हम, अगर इसकी कोई वेवलेंथ है खास टाइप की जो इस ये जो इनसाइड टिश्यू में प्रेजेंट है फ्लोरेसेंट मटेरियल, उसकी वेवलेंथ जिस उसमें आ रही है वो वाली वेवलेंथ हम यूज नहीं करेंगे इस फ्लोरेसेंट मटेरियल में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट सही तरह से हो जाएगा। तो ये वो बेसिक मैकेनिज्म थे जिससे हम बैकग्राउंड जो सिग्नल होता है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि हम एंजाइम को इनहिबिट करके भी बैकग्राउंड जो सिग्नल होता है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, बायोटिन जो होता है ऑलरेडी प्रेजेंट टिश्यू में उसको ब्लॉक करके सिग्नल को हम रोक सकते हैं जो फॉल्स होते हैं सिग्नल, और इस तरह इम्यूनोफ्लोरेसेंस मटेरियल अगर प्रेजेंट है किसी टिश्यू में उसको भी हम रोक सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद लास्ट जो वीडियो होगी वो होगी डिटेक्शन मेथड, कि जब हम ये सारा स्टेप कर लेते हैं तो इसके बाद कैसे डिटेक्ट करते हैं जो हमारा टिश्यू है उसमें एंटीजन की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे।